ये कहानी अगस्तीन नाम के एक छोटी सी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे 70 साल के बुड्ढे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो उसके पीछे पागल हो जाती है और फाइनली वो दोनों गब्बा गब्बी करते हैं। आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है अगस्तीन और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो नौकरानी को देखते हैं जो की एक बड़े से बंगले में नौकरानी का काम करती है। तभी उन दोनों में से एक अगस्तीन नाम की मेड सब लोगों के लिए खाना परोस रही थी, लेकिन खाना परोसते परोसते अचानक से उसे एक अजीब सा अटैक आ जाता है जिसके वजह से वो बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें करने लगती है। तभी उस फैमिली में से एक मेंबर अगस्तीन के ऊपर पानी डाल देता है जिसके बाद वो अपने होश में आती है, लेकिन होश में आने के बाद भी उसका एक आंख और उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है। अगस्तीन की ऐसी हालत होते हुए देख के उसकी बहन अगले दिन उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद इन दोनों को पता चलता है की वहाँ पे अगस्तीन जैसे बहुत सारी पेशेंट पहले से ही पड़ी हुई है। वहाँ डॉक्टर अपने पेशेंट का चेकअप उनके पूरे कपड़े उतरवाने के बाद करता था और अगस्तीन का इलाज करने के बाद वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें हिस्टेरिया नाम की बीमारी हुई है जिस वजह से तुम्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये सुनने के बाद अगस्तीन के बहन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो अगस्तीन को वहाँ पे छोड़ के अकेले वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे अचानक से अगस्तीन के पास एक नर्स आती है और वो उसे बताती है कि जो भी मरीज यहाँ पे रहता है उसे कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, जिस वजह से अगस्तीन को भी वहाँ पे काम करना पड़ता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में काफी सारे मरीज को देखते हैं और ये वो लेडीज थी जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर चर्कआउट आते हैं और वो वहाँ पे सारे मरीजों का चेकअप करते हैं। अगले सीन में हम अगस्तीन को वहाँ के मरीजों के साथ काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे खड़ी सारी औरतें उसे घूरने लगती है जिनमें अगस्तीन भी शामिल थी, लेकिन तभी अचानक से अगस्तीन को वहीं पे फिर से अटैक आने लगता है जिस वजह से डॉक्टर को उसे फिर से चेकअप करना पड़ता है, जिस वजह से वो उसके हाथ पे एक सुई चुभाता है, लेकिन सुई चुभाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका था, जिस वजह से डॉक्टर अपने दोस्तों को कहते हैं कि हम अगस्तीन का केस पब्लिक के सामने लाएंगे ताकि हम दुनिया वालों को ये दिखा सकें कि ये एक्चुअल में एक बीमारी है ना कि कोई जादू टोना। घर आने के बाद डॉक्टर ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है जिसे सुनने के बाद उसकी वाइफ भी ये सब करने के लिए मान जाती है। अगले दिन अगस्तीन अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन तभी उसे डॉक्टर अपने पास बुलाता है। वहाँ पहुँचने के बाद अगस्तीन खुद को तसल्ली देने के लिए डॉक्टर से ये पूछती है कि क्या मैं पहले जैसी हो जाऊंगी, जिस पर डॉक्टर उसे ये बोलते हैं कि हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन सारे डॉक्टरों की टीम आती है जहां डॉक्टर का असिस्टेंट अगस्तीन की हालत दिखाने के लिए उसे हेप्नोटाइज कर देता है। तभी अचानक से वहां पे अगस्तीन को एक जोरदार अटैक आता है जिसे देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग डॉक्टर को फंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में टीम के सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे और वो लोग बातों ही बातों में अगस्तीन के केस को भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात में डॉक्टर अगस्तीन के बारे में ही सोच रहे थे, जिसके बाद अगली सुबह होते ही डॉक्टर अगस्तीन के पास जाता है और वो उससे जाके बोलता है कि तुम इस मुर्गी को मारो। डॉक्टर के कहने पे अगस्तीन उस मुर्गी को मार देती है, लेकिन वो अचानक से नीचे गिर जाती है जिस वजह से जो उसकी पहले एक आंख बंद थी वो आंख उसकी खुल जाती है, जिस वजह से उसे ये लगता है कि उसी तरीके से उसका हाथ भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसका हाथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। अगले सीन में हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं जो अगस्तीन के हाथ को चेक कर रहे थे, जहां वो नोटिस करते हैं कि अगस्तीन के हाथों में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, जिसके बाद अगस्तीन एक बार फिर से बहाना लगा के डॉक्टर के कैबिन में चली जाती है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं अगस्तीन में मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिस वजह से डॉक्टर उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि कुछ नए डॉक्टर अगस्तीन के पास उसका इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन अगस्तीन उन डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाना चाहती थी, इस वजह से वो उनसे लड़ने लगती है और जब डॉक्टर चारकोट को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अगस्तीन से उसके पास मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो अगस्तीन को अपने हाथों से सूप पिलाते हैं और उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद डॉक्टर उसे अपने एक पालतू बंदर से मिलवाते हैं और उसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खेलते हैं। खेलते खेलते अगस्तीन का वहाँ पे मूड बन जाता है और वो डॉक्टर के साथ घबा घब्बा वाला गेम खेलना चाहती थी। ये बात अच्छी तरीके से डॉक्टर को भी पता थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करना वहीं पे शुरू कर देता है। डॉक्टर उसे इग्नोर कर रहा था, इस वजह से अगस्तीन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर के स्पाइडरमैन को भी सांस नहीं आ रही थी, इसलिए वो रात में ही अगस्तीन को चेकअप करने के बहाने उसके कमरे में जाता है, जहाँ वो उसे चुपके से देखता है और वो उसके संतरे देख के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर एक बार फिर से अगस्तीन को अपने पास बुलाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पब्लिक के सामने एक बार फिर से पेश करूंगा, लेकिन अगस्तीन इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और ये जानने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो अचानक से गिर जाती है जिस वजह से उसका पैरालाइज हाथ भी ठीक हो जाता है, जिसके
बाद अगस्तीन फिर से अपने कमरे में चली जाती है। अगले सीन में अगस्तीन को जब लोगों के सामने लाया जाता है तो वो लोगों के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे उसका हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद उसे हेप्नोटाइज किया जाता है पर वो हेप्नोटाइज नहीं होती, जिसके बाद वो अचानक से अटैक आने का नाटक करने लगती है और उसके अटैक को देखने के बाद सब लोग उसे फिर से फंड देने लगते हैं। ये बात डॉक्टर को अच्छी तरीके से पता थी कि वो इस टाइम पे नाटक कर रही है, लेकिन अगस्ती ने नाटक करके डॉक्टर को फंड दिलवाने में उसकी मदद की। इस बात से डॉक्टर काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद डॉक्टर के मन में भी अगस्तीन के लिए प्यार काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों कमरे में जाके अकेले में पलंग तोड़ गपागप करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद इन दोनों को अचानक से रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद अगस्तीन डिसाइड करती है कि वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी। उसके बाद हम अगस्तीन को हॉस्पिटल से भागते हुए देखते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 67% लाइक किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।